Hello everyone, I'm Binita Verma. Once again, welcome you all to my channel English Minglish by Binita Verma. Modal verbs ki is journey mein. Aaj main aapko lekar jaane wali hoon journey of will and would. Aaj ke is video mein hum milkar samajhne wale hain ki will aur would mein kya difference hota hai aur inka सही यूसेज क्या है. अगर आप भी विल एंड वुड को बहुत आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो गाइस चलते हैं विल और वुड की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में. विल का यूज होता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर यानी भविष्य. जैसे कि आई विल विजिट इंग्लैंड नेक्स्ट वीक. वही वुड का यूज होता है पास्ट में फ्यूचर बताने के लिए या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में. एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं. He said that he would help us out to move next week. Guys, will और would का यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए, पर यहाँ पे एक डिफरेंस है. Will का यूज होता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि will you lend me your book. वही would का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे would you play with me. फ्रेंड्स चलते हैं अगले यूसेज पे. विल और वुड का यूज होता है ऑफर के लिए, बट यहाँ पे भी एक और डिफरेंस है. विल का यूज होता है प्रेजेंट या फ्यूचर ऑफर के लिए, जैसे कि आई विल वॉच योर चिल्ड्रन टुडे. वहीं वुड का यूज होता है पास्ट ऑफर्स के लिए. यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली एक बात है कि वुड के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जैसे कि आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. गाइस Will और would का एक और इम्पोर्टेंट यूसेज है. इन्हें हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, पर यहाँ पे भी एक बेसिक डिफरेंस है. Will का यूज होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में, जैसे कि If he asks me, I will help him. वहीं would का यूज होता है सेकेंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं If I had more money, I would buy a car. थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल हो सकता है If I had studied hard, I would have passed. So guys, I hope will and would की ये जर्नी आपके लिए सिंपल और एक्साइटिंग रही होगी. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिए. साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय बिनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूले. मिलते हैं एक और वीडियो में जहां मैं बात करूंगी शुड और मस्ट के डिफरेंस की. टिल देन, बाय बाय.